नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 की इस वक्त क्या स्थिति है, खास तौर से वैक्सीन, जिस पे कुछ सफलता की बात अभी अखबारों में आई है, उसका कहां तक वो जायज है, कहां तक हम उम्मीद कर सकते हैं वैक्सीन हमको मिलेगा और कितना जल्दी कितना अच्छा वैक्सीन मिलेगा। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर सत्यजीत रथ, जो हमारे साथ इस चीजों को चर्चा करने के लिए रहे थे। सत्यजीत, पहले तो बात करें कि वैक्सीन की जरूरत अभी और भी ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि काफी फैली हुई है इस वक्त दिल्ली में, खास तौर से थर्ड वेव की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि अभी भी वैक्सीन की जरूरत है? क्योंकि DST का सुपर मॉडल ने तो कहा था कि शायद हम हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच गए हैं। जी, आसार जो कोविड-19 के हाल में दिखाई दे रहे हैं वो सब अब ये कहने लगे हैं, जहां तक मेरा मानना है, कि जब तक हमारे पास अच्छा खासा टीका नहीं होगा सबको देने के लिए, तब तक महामारी बिल्कुल थम नहीं जाएगी। किस तरीके के आसार? पहली बात ये है कि भारत की बीमारियों के आंकड़े लेकर पिछले चंद दिनों में हम लोग काफी खुश थे कि हमारे आंकड़े सरासर कम होते जा रहे हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि DST का जो सुपर मॉडल है उसके मुताबिक तो अपन हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच ही गए तकरीबन। तो आंकड़ों से, पिछले 4-5-6 दिनों के आंकड़ों से ये तो जाहिर हो रहा है कि ये सही नहीं है। दिल्ली के आंकड़ों से तो उससे पहले ही जाहिर हो रहा है कि यह सही नहीं है। तो इसकी दो तीन वजहें हैं। एक तो हम देश के आंकड़ों को लेकर ना सोचें, हम मोहल्लों के आंकड़े देखें, क्योंकि वायरस मोहल्लों में फैलेगा, जैसे कि हम लगातार कहते आए हैं। तो इस मोहल्ले में फैलेगा, फिर शांत हो जाएगा, किसी और मोहल्ले में पहुंचेगा, वहां फैलेगा। तो इस तरीके के उद्रेक होते रहेंगे मोहल्ले मोहल्ले में। महामारी ऐसे फैलती है, न कि एक कहीं आ गई और बिल्कुल सिमेट्रिकल लहर की तरह फैली और थम गई। यूं नहीं होता महामारी का मसला। तो ये हुआ एक मुद्दा। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि दो तीन बातें सामने आने लगी हैं। अभी तक पूरे यकीन के साथ हम नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जिन लोगों को बिल्कुल सौम्य स्वरूप से बीमारी होती है, यहां तक के लक्षण विरहित बीमारी होती है, उनमें से एक चौथाई, एक पंचमांश के आसपास लोगों में एंटीबॉडीज शायद पैदा नहीं होती, या इतने पैमाने पर पैदा नहीं होती कि काफी देर तक टिके। इसका मतलब उनका रिपीट इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें दोबारा संसर्ग हो, संक्रमण हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसी एक संतुलित हर्ड इम्यूनिटी तक शायद पहुंच ही ना पाए सही तरीके से, सही मायने से। दूसरी बात ये भी आप कह रहे थे पहले कि ये कितने देर तक रहेगी एंटीबॉडीज, कितनी जोर और शोर से रहेगी, ये भी देखने की चीज है। अभी तक सबूत हमारे सामने ठोस नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरा मुद्दा ये है कि दर बदर सबूत सामने आ रहे हैं। अभी तक इर्द गिर्द के सबूत हैं, पक्के आंकड़े सामने नहीं है, लेकिन सबूत सामने आने लगे हैं कि कोविड-19 के जो अक्यूट लक्षण हैं, तुरंत पहले 15-20 दिनों में देखे जाने वाले लक्षण हैं, उनके बाद जो लोग ठीक हो जाते हैं, अस्पताल से उन्हें छुटकारा मिल जाता है, फिर भी घर जाके नाना तरीकों के लक्षण उनमें
यूं ही टिके रहते हैं, जिसे लंबा कोविड कहने लगे हैं लोग, लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो लंबे कोविड के आंकड़े अभी तक निश्चित स्वरूप से सामने नहीं है, लेकिन ये भी एक समस्या है नैसर्गिक संक्रमण की, नेचुरल इन्फेक्शन की, जिसकी वजह से हमारे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी तनाव आ सकता है। तो ये सब आसार ऐसे हैं जो एकत्रित स्वरूप में हमें ये बता रहे हैं कि अगर SARS-CoV-2 और COVID-19 की महामारी पर और बीमारी पर एक सांझे स्वरूप से काबू पाना है, तो टीके का, वैक्सीन का उपाय हमें बेहद जरूरी है। और इस दिशा में वैक्सीन को लेकर जो हाल में, मतलब पिछले 4-5 दिनों में बिल्कुल शुरुआती नतीजे सामने आए हैं, वो आश्वासक भी है और चिंताजनक भी है। अब मॉडर्ना और फाइजर की जो दो mRNA वैक्सीन की जो कुछ उदाहरण आए हैं, कुछ आंकड़े आए हैं, हालांकि वो प्रेस रिलीजेस के दौरान आए हैं, वो साइंटिफिक पेपर के रूप में नहीं आए, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के निगाह से भी देखनी चाहिए कि शायद स्टॉक को उछाल के लिए भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। पर उसका वो चीज भी अगर छोड़ दे, 90-95% एफिकेसी वो दिखा रहा है, जो कि 50% के ऊपर अगर होता तो वैक्सीन को हम कामयाब मानते। यही चीज ड्रग अथॉरिटीज जो इनको देखभाल कर रही है ये कह रहे हैं, तो काफी अच्छी रिजल्ट्स है इसको देखते हुए। ये नतीजे काफी अच्छे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 90% से ज्यादा अगर असरदार निकला टीका तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसमें हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिनका जिक्र हमने पहले भी किया है जब हम टीकों की जांचों के बारे में बात कर रहे थे तब। एक तो ये है कि टीके दिए हुए और टीके ना दिए हुए, या तो भ्रामक टीके मतलब प्लेसिबो दिए हुए गुटों में कितनी बीमारियां होती हैं, इसकी गिनती हो रही है। और जो पहली एक तकरीबन 90-100 बीमारियां आई हैं बायोएनटेक फाइजर के गुट में, मैं उस वैक्सीन को फाइजर वैक्सीन कैंडिडेट नहीं कहता, क्योंकि उसका जो तकनीकी विकसन है वो फाइजर ने नहीं किया, फाइजर ने सिर्फ खरीदा है, तैयार किया है। छोटी, बिल्कुल छोटी कंपनी ने, जर्मनी स्थित कंपनी ने, जो जर्मनी स्थित तुर्की वैज्ञानिकों ने शुरू करी हुई है। हाँ, ये भी सही है। तो हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक सांझी वैश्विकता नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ठीक है, बायोएनटेक फाइजर कहें, बायोएनटेक फाइजर ने पहले 100 बीमारियां गिनी, उन 100 में 90% बीमारियां एक गुट में है। अब याद रखिएगा कि उन्हें यह नहीं मालूम कि कौन सा गुट है, क्योंकि जब इंजेक्शन दिए हुए हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, लेकिन ग्रुप ए वैक्सीन है या ग्रुप बी वैक्सीन कैंडिडेट है ये हमें वैसे तो नहीं मालूम, कागज पे नहीं मालूम। लेकिन अगर 90 और 10 का या 85 और 8 का फर्क पड़े, तो जाहिर है कि जो फाइजर ने प्रेस रिलीज किया, बायोएनटेक ने नहीं किया, फाइजर ने प्रेस रिलीज किया, और जिसके जरिए उन्होंने अपनी स्टॉक प्राइस उछलते देखी, तो जाहिर है कि लगता है कि टीका कामयाब हो रहा है। मॉडर्ना का बिल्कुल वही हाल है, आंकड़े उतने ही, हालांकि उससे भी कम है, लेकिन उतने ही आशादायी है। लेकिन परेशानी ये है कि इस तरीके से इन आंकड़ों को अगर हम दिन ब दिन देखने लगे तो बड़ी चिंता आगे आती है। चिंता ये है
कि एक ओर से कंपनियां कह रही हैं, अंतोनी फाउची साहब कह रहे हैं कि वाह वाह ये तो बड़े अच्छे आंकड़े हैं और टीके असरदार हैं, कामयाबी नजदीक है, तो एक जनसामान्यों का दबाव बढ़ने लगेगा कि भैया टीका तो काम करता है, फिर ये जांच वांच का मसला क्यों, बस टीके को मान्यता दे दो और टीके बाजार में आए, टीके स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचे, सबको मिले, सबका कल्याण हो और चंद महीनों में ही हो और SARS-CoV-2 और COVID-19 को अपन भूल जाए। इसमें अड़चन ये है कि ये बड़े प्राथमिक आंकड़े हैं, दोनों कंपनियों ने एक ओर से इसको बतौर इश्तेहार के सामने रखा है, लेकिन ये कह के सामने रखा है कि भैया ये प्राथमिक आंकड़े हैं, आगे चल के और देखना है, लेकिन ये जानते हुए सामने रखा है कि अगर आशादायी आंकड़े हैं तो जरूर दबाव बढ़ेगा। दो चीजें, एफडीए पर, सीडीएससीओ पर, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन पे दबाव काफी बढ़ना है कि भैया आप अब देर क्यों हो रही है, अप्रूवल दे दो। सत्यजीत, इसमें दो चीज है, एक तो है कि उन्होंने दोनों ने इमरजेंसी यूज के लिए एप्लीकेशन डाल दी है कि अभी इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये अलाउ किया जाए, जो कि एक हिसाब से कम पहला शारी के हेल्थ वर्कर्स वगैरह जो एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ सिस्टम में है उनको शायद दी जाएगा। तो एक तो इमरजेंसी यूज के एप्लीकेशन डाल चुकी है, दूसरी बात यह है कि उसमें स्टॉक प्राइस पे उछाल सिर्फ इतना ही नहीं आया, डाउ जोन्स जो कि गिर रहा था उसमें भी उछाल आ गया। तो इसका इसके जो इमीडिएट इम्पैक्ट जो भी हो, तो ये जो स्टॉक होल्डर्स हैं इन कंपनियों में, खास तौर से इनकी जो लीडरशिप है उनको स्टॉक ऑप्शंस मिलती है, उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस भी इस्तेमाल करके स्टॉक बेचना भी शुरू कर दिया। तो इसमें इसीलिए जब इन चीजों की आती है कि इसके वैज्ञानिक विश्लेषण क्या हो, उसकी रेगुलेटरी विचार क्या हो, ये अलग चीज है, और इस तरह के खबरों पे आधारित अगर चीजें चलती रही तो और एक खतरा है, खासतौर से वैक्सीन लेकर, खासतौर से अमेरिका में, कि वहाँ वैक्सीन विरोधी एक बहुत सच्चार ग्रुप है जो काफी इस पे पहलकदमी करके बहुत बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, फेसबुक में बड़े ग्रुप्स इस तरह के क्रिएट किए हैं, हालांकि फॉल्स न्यूज कह के उनको रोक दिया है फेसबुक ने, तो एक एंटी वैक्सर कैंपेन वहां पे बरकरार है। अगर इस पे कुछ गलत चीजें निकलता है कि लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट जो है एक महीना बाद, दो महीना बाद नजर आते हैं, तो इसकी तो अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे बड़े पैमाने पे पूरा एंटी रिएक्शन भी फैल सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इतना बढ़कर कहूंगा कि ये जो चित्र हमारे सामने आ रहा है ये बिल्कुल बुनियादी पूंजीवादी चित्र है। पूंजीवाद ये करता है, पूंजीवाद एक ओर से आशा दिखाता है और उस आशा के आधार पर मुनाफेखोरी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि यूं ही मुनाफेखोरी है, क्योंकि आशा है, आंकड़े तो जो हैं तकरीबन सही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर से जिस रफ्तार से बात आगे बढ़ेगी उससे आप जैसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं वैसे काफी प्रश्न आप बीच में आ जाएंगे, काफी अड़चनें पैदा होंगी, लेकिन मुनाफा तो मुनाफा बरकरार रहेगा, बनता रहेगा। पूंजीवाद की असली चाबी ये है। इसको हम रेमडेसिविर केस में देख चुके हैं, बिल्कुल, जबकि एक टेस्ट, एक ट्रायल जो कि सीमित था उसके आधार में उनकी काफी तारीफ हुई, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ, स्टॉक काफी उछला, और बाद में जो रिपोर्ट्स आए जो और भी बड़े पैमाने पे ट्रायल्स किए गए हैं कि उस पे कोई इस तरह का फायदा नजर नहीं आया। उसको उस वक्त भी फाउची साहब ने इसकी काफी तारीफ की थी, आपको याद होगा हमने इस पे चर्चा की थी कि फिगर्स बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, तो फाउची साहब ने थोड़ा ज्यादा उछल के कहे, उसको उछाल दिया कि बहुत अच्छा है,
तो पिग बहुत अच्छा है, लिपस्टिक ऑन ए पिग है पर पिग बहुत खूबसूरत है, ये भी कहा। तो ये सब कहने के बाद जो निकला कि तथ्य तो ये निकला कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ असरदार नहीं है, तकरीबन थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और आपने जो जिक्र किया था कि एकदम पहले अगर दिया जाता है तो शायद फायदा हो सकता है, जब सीरियस पेशेंट होता है तो फायदा खास नजर नहीं आता, और वही चीज ट्रायल्स पे बिल्कुल हुबहू वही चीज निकला है। अब बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर पे खर्चा करना, खास तौर से जैसे हिंदुस्तान जैसे देश में इसका कीमत कम नहीं है, तो उसको इस्तेमाल करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 99% ऐसे केसेस बहुत ही कम असर करता है, एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे केसेस होते हैं, इसीलिए कोई खर्चा करके महंगी दवाई उस वक्त इस्तेमाल नहीं करेगा, और जब इस्तेमाल करेगा तब उसके खास कोई फायदा नहीं। तो रेमडेसिविर का तो केस ये रहा। तो वैक्सीन में अगर हमको हम सही माने में कि इल इफेक्ट्स हो सकते हैं तो थोड़ा ये सब चीजें देखें, ये अगर नहीं करेंगे तो इसके रिएक्शंस, खास तौर से अगर एडवर्स रिएक्शंस होता है शरीर के अंदर, तो इसका वैक्सीन रिएक्शन अगर ज्यादा होता है तो हम लंबे अरसे की जो लड़ाई है वैक्सीन के लिए वो हम लूज करेंगे, और महामारी के सामने अब तो नहीं लग रहा है कि और कोई हमारे पास हथियार है। ये सारी आशंकाएं जायज हैं, लेकिन अब मेरे अपने विषय से संबंधित चूंकि टीकों का मसला है, तो टीकों को लेकर मैं कुछ एक बतौर भविष्यवाणी के कहता हूं। वो ये है कि जो नतीजे 3 टीकों को लेकर आज हमने सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं सिर्फ, लेकिन 3 टीकों को लेकर, एक है बायोनटेक फाइजर का mRNA तकनीक वाला टीका, दूसरा है मॉडर्ना का mRNA तकनीक वाला टीका, और तीसरा है गमालेया संस्थान का स्पुटनिक 5 जो कि एडिनोवायरस तकनीक वेक्टर तकनीक वाला टीका। अब एस्ट्राजेनेका की भी वही टेक्निक है, एस्ट्राजेनेका की भी वही है, और आते दिनों में मुझे लगता है कि उनसे भी शायद इन्हीं तरीकों के इश्तेहारों की उम्मीद रखना कोई गलत नहीं होगा। तो ऐसे है कुछ, लेकिन इसका मतलब ये है मेरे लिए कि संभावना ये है कि तकरीबन जितने टीके आज जांचों में हैं, सारे के सारे कुछ सही पैमाने पर असर दिखाएंगे, और अगर यूं हुआ तो हमारे लिए, भारत के लिए और हमारे लिए, यानी कि दुनिया की सर्वहारा जनता के लिए बात अच्छी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा टीके हैं बाजार में, क्योंकि हम बाजारी पूंजीवाद के जरिए महामारी का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में बाजार में जितने ज्यादा टीके होंगे, असरदार टीके, उतना गरीबों के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अच्छा है। और मैं मानता हूं कि पहले जो 10-12 टीके हैं जो तीसरे चरण की जांच में हैं, मतलब कि क्या यह सचमुच बीमारी का प्रतिबंध करता है टीका, इस जांच में है, तो मुझे लगता है कि आते हफ्तों में, महीनों भी में भी नहीं कह रहा हूं, आते हफ्तों में इसी तरीके के प्राथमिक आंकड़े शायद हमारे सामने आएंगे, और इनमें से बहुतेरे टीके सामने आएंगे कि असरदार हैं, काम करते हैं। और अगर यूं हुआ तो इनके पीछे जो टीके चल रहे हैं, आज की तारीख में 35-40 टीके ऐसे हैं जो फेज 1 फेज 2 में हैं, पहले या दूसरे चरण में हैं,
आते दिनों में तीसरे चरण में पहुंच जाएंगे। सच कहें तो पिछले हफ्ते भर में 3 या 4 टीके दूसरे चरण से तीसरे चरण में आके पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि जनवरी फरवरी तक दर्जनों टीके आने की संभावना, असरदार टीके आने की संभावना है। और ये खबर हमारे लिए, दुनिया की जनता के लिए खबर है। सिर्फ ये नहीं कि फाइजर का टीका काम करता है, ये कि दर्जनों टीके काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि अच्छे इतने सारे टीके शायद सामने आए, पर सवाल तब होंगे कौन सा टीका कौन चुनेगा, कौन सा टीका कहाँ जाएगा। लॉजिस्टिकल जो सवाल है, आज नहीं, हमें अगले एक दिन में इसको, अगले हफ्ता इसको शायद चर्चा करें इसके बारे में। दो चीजें इसमें है, तो लॉजिस्टिक्स का चैलेंज मामूली नहीं है, क्योंकि टीके का कीमत अगर $2-3 भी होता है, जो इस वक्त लगता है कि प्राइस शायद होगा तीसरी दुनिया के लिए, थर्ड वर्ल्ड के लिए, गरीब देशों के लिए शायद ये होगा, तो भी इसका कीमत कम नहीं है। हिंदुस्तान में उसका खर्चा 80,000 करोड़ तक पहुंचेगा, क्योंकि दो आपको टीके देने हैं, और इसके बाद उतना ही खर्चा या उससे ज्यादा खर्चा लॉजिस्टिक्स की है। और इसके बाद टीका, कौन सा टीका कहाँ पहुंचा, 10 दर्जनों टीकों के बात कर रहे हैं, 3 टीका भी हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर आएगा, कौन कहाँ जाएगा, इसको क्या करना है, इसकी भी काफी संतुलित प्रयोग की जरूरत है। तो ये चीजें, खर्चा एक और, क्योंकि हम तो बजट में या जो निर्मला सीतारामन कहे जा रहे हैं उसमें 1,60,000 का जिक्र नहीं देख रहे हैं, जो कि टीका का कॉस्ट है हिंदुस्तान को, सबको टीका देने की कम से कम न्यूनतम कॉस्ट है। तो ये चीजें भी सामने रहेगी। और WHO ने एक बात कही है जो आपने भी पहले हमारे सामने कहे थे, जो हमारे शो में कहे थे, कि अच्छा ये होता अगर इन टीकों को एक साथ कॉमन ट्रायल्स में इसका इस्तेमाल होता, टेस्ट होता, तो हम देख पाते कौन सा अच्छा है, कितना अच्छा है, कौन से इसमें ज्यादा अच्छा है, और उस तरह से हम जा सकते थे। पर पूंजीवाद की जो बाजारीकरण की बात आप कही, उस पे ये अभी संभव होने का संभावना नहीं है। बिल्कुल, यहां तक के सिर्फ तौलनिक रूप से नहीं, बल्कि टीका किस तरीके की बीमारी पर, COVID-19 की जो बीमारियां हैं, बड़ी गंभीर बीमारी पर असरदार है कि नहीं, बिल्कुल बिना लक्षण के संक्रमण पर असरदार है कि नहीं, ये इन सारे मसलों पर, और वैसे ही टीकों के क्या कुछ दुष्परिणाम भी है, इस प्रश्न पर भी WHO की जो सॉलिडैरिटी वैक्सीन ट्रायल का WHO ने प्रस्ताव किया था, उसमें बड़े अच्छे उत्तर मिल जाते, जो कि आज बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में हमारे सामने आएंगे। उसको लेकर हमारे मन में काफी आशंकाएं होंगी, जिससे एंटी वैक्स जैसे भूमिकाओं को चालना मिलेगी। तो ये सब होना है, और ये सब बाजारी पूंजीवाद की वजह से होना है। ये हुई एक बात। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं अंत में, कि अगर दर्जनों टीके आए, या मान लीजिएगा 6-4 टीके आए, तो सरकार की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में जो टीके पहुंचाने हैं, वो कौन से पहुंचाएंगे, कितने कहां पहुंचाएंगे और कैसे पहुंचाएंगे, इन प्रश्नों की जटिलता बढ़ जाती है। उसको लेकर हमारी सरकार किस तरीके का व्यावहारिक विचार कर रही है, वो हम बिल्कुल नहीं जानते, हमने कुछ नहीं सुना अभी तक। और अभी तक उस चीज में COVID-19 की जो रवैया सरकार की रही है, वही रवैया है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल गायब है, पारदर्शिता एकदम है ही नहीं, और इस अभी भी इस पहलू पे हम रोशनी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का क्या प्लान है किसी को, एटलीस्ट हमें नहीं मालूम। भैया मुंगेरी लाल कह रहा है, मैं सपने देख रहा हूं, जो देख रहा हूं सो बता रहा हूं, और ट्रांसपेरेंसी का चाहिए आपको? मुंगेरी लाल के सपनों से हम अपनी बात अब आज खत्म करते हैं, क्योंकि मुंगेरी लाल के सपना अगर कोविड फ्री भारत होता है, वाकई उसके लिए वैक्सीन चाहिए, और उसके लिए वो हमारे पास वो मशीनरी चाहिए, वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, नहीं तो सपना सपना बन के रह जाए।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सत्यजीत हमारे साथ होने के लिए, और न्यूज क्लिक के दर्शकों को धन्यवाद। देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारी वेबसाइट पर भी आइएगा। Thank you.